किसान भाई नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो बना रहे हैं मंडी डब वाली पे। सामने जो आप गायें देख पा रहे हो, ये गायें यहाँ से सेल होकर महाराष्ट्र जा रही है। क्या रेट की गायें सेल हुई है, कितने दूध की गायें सेल हुई है, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे संपर्क करके आप इनसे ऑनलाइन या ऑफलाइन गायें खरीद सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑल इंडिया की आपको डिलीवरी मिल जाएगी, अच्छी अच्छी क्वालिटी की गायें मिल जाएगी। तो आइए भाई साहब से बात करते हैं जिन्होंने ये गायें मंडी से दिलाई है महाराष्ट्र के किसान भाइयों को। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। क्या नाम है ये अपना? अपना नाम रफीक भाई है सर। कहाँ से आप? हम पंजाब बठिंडा के रहने वाले हैं, गांव हमारा गुमटीकला है, तहसील रामपुरा फोर। ठीक है जी। अपना फ़ोन नंबर 8283851235 सर। दोबारा बोल दो फ़ोन नंबर। 8283851235। ठीक है जी। कितनी गाय महाराष्ट्र भेज रहे आज हमारी सर? अभी टोटल हमारी 11 गाय हो चुकी है और 7 बाकी है, 18 गाय जा रही है हमारी। महाराष्ट्र कहाँ जा रही है जी? औरंगाबाद फलमरी में जा रही है सर। एवरेज रेट? एवरेज सर आप मान लो 50,000 से लेकर 70,000 तक है। मिल्किंग एवरेज? मिल्किंग मान लो सर 20 लीटर से लेकर 25-30 लीटर की है। ठीक है। क्या जिम्मेवारी रहेगी आपकी? जिम्मेवारी सर ये देखो, अपने पास 10 बार आ चुके आदमी, ठीक है, जो बात बोलेंगे जेन्युइन बोलेंगे, सच्ची बात बोलेंगे सर। हम हैं किसान लोग, ठीक है सर, हमारा कोई ये नहीं है भी हमारा फार्म है, रहने वहने की सारी सुविधा है, ये नहीं हम चल किसान भाई होते हैं। कई बार आदमी को ऐसा होता है भी आदमी के पास फार्म नहीं है, लोडिंग कहाँ से करेगा? लोडिंग की भी सारी सुविधा है सर हमारे पास, रहने वहने की भी सारी सुविधा है, खाने पीने की भी सारी सुविधा है। बाकी रही बात दूध की, दूध सर जितना आदमी जैसे कि टेम्परेचर के हिसाब से होता है, जो आदमी इधर मान लो 30 लीटर बोल के देता है आदमी, कस्टमर जो महाराष्ट्र का है वो 25 लीटर मान के ले ले, और जो कच्ची गाय होती है ज़्यादा से ज़्यादा गाय इधर से कच्ची गाय लेके जाए, जो भी बात है क्रॉस ले ले चाहे ब्रीड ले ले, महाराष्ट्र के और गुजरात में माल जाता है हमारा, सबसे ज़्यादा कच्ची गाय लेके जाते हैं 15-20 रोज कच्ची की। जे गाय के बैकग्राउंड के बारे में बता दो, लैक्टेशन कौन सा है इस गाय का? जे सर अभी फर्स्ट व्याध में है। दांतों में? दांतों में 4 दांत है सर। कितने दिन ले जाएगी? अभी सर 15 रोज बाकी है इसके सर। और दूध कितना देगी? दूध सर उसने 25 लीटर बोला है, हमने 20 लीटर मान के लिए सर। क्या रेट पे दिए? ये 65 में लिए सर। चलाओ जी। जे गाय की क्वालिटी देखो सर, और चाल वाल देखो सर, थोड़ी सी क्रॉसपन में आ जाती है, और गाय का आंचल देखो, आंचल का गैप देखो, ठीक है, और गाय की फेस क्वालिटी देखो सर। गाय आदमी ने तो बोला है 25 लीटर पर हम 20 लीटर की मान के गारंटी देंगे सर दूध की, ठीक है सर। और बाकी की बात जो रही है जो बोलेंगे सच बोलेंगे सर, ये नहीं है कि आदमी को झूठी धोखाधड़ी में फंसाए पाएंगे। गाय का बाकी हाइट वजन देख सकते हो सर, ठीक है, क्रॉसिंग में आ जाती है, प्योर ब्रीडिंग में नहीं है सर। कोई और गाय चला दो जी। हाँ जी सर। ये गाय कौन से लोकेशन में है? ये दूसरे ब्यात में है सर। दांतों में? दांतों में 6 दांत है सर, और एयर शहर में आ गई, क्वालिटी भी देखो सर, शाइनिंग भी देखो। रेट इसका? रेट सर 65 में जे लिए सर। कितने दूध की है जी? दूध सर उसने 30 लीटर माना है, हमने 25 लीटर मान के लिए सर बोला है, ठीक है, जो बात बोलेंगे जेन्युइन बोलोगे सर, ये नहीं है कि झूठ बोल के देंगे सर। ये गाय की क्वालिटी देखो, वजन देखो, हाइट देखो सर, लेंथ देखो, ठीक है सर, फेस क्वालिटी भी देख सकते हो सर। इस गाय का बैकग्राउंड बता दो। ये सर दूसरे ब्यात में है, मुँह से आता है ये भी सर। और कितने दूध की है गाय? ये सर मान लो 25 लीटर दूध निकाल देगी सर, क्रॉसिंग में है ये। रेट इसका? रेट सर ये 70 में लिए सर, ठीक है, वैसे क्रॉसपन में आ गई गाय, हेल्थी है सर, बढ़िया गाय है, ठीक है, और गाय की वजनदार है, गाय की क्वालिटी भी देखो सर, और मुँह फेस क्वालिटी भी देखो सर। इस गाय का क्या बैकग्राउंड है? ये भी सर दूसरे ब्यात में है। और दांतों में? दांतों में 6 दांत है यार। ये कितना दूध देगी? ये सर 22-23 लीटर मानो सर ये। रेट इसका? 55,000 सर। और गाय की क्वालिटी देखो, ये थोड़ी सी हाइट छोटी है और वजनदार गाय है सर, क्वालिटी भी देखो इसकी, शाइनिंग भी देखो सर इसकी, ठीक है सर, और गाय में कोई दिक्कत धोखाधड़ी वाली बात नहीं है सर, जितना बोला उतना निकलेगा। क्रॉसपन में आ गई सर, प्योर ब्रीडिंग नहीं है, जो ब्रीड होगी वो ब्रीड बोल के देंगे, जो क्रॉस होगी क्रॉस बोल के देंगे सर। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है अपना? काका साहब पटेल कापरे। कहाँ से आप? महाराष्ट्र। कितनी गाय खरीदी इनसे? अभी 9 गाय लिए। और कितनी खरीदनी है टोटल? अपनी 18 गाय खरीदनी है। पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो? ये पहली बार आए, ये 8 बार आए, 10 बार आ चुके हैं, 10 बार आए। ठीक है। और गाय कैसी लगी? गाय अच्छी लगी,
गाय की क्वालिटी कैसी लगी? अच्छी लगी क्वालिटी। और रेट? रेट भी अच्छा है। रहने सहने की व्यवस्था कैसी की आपके लिए? ये भाई ने करी। कोई कमी लगी उनके काम में? नहीं नहीं कमी नहीं। आप पहले कितनी बार आ चुके इनके पास? मैं तो 10 बार आ चुका हूँ। ठीक है जी। टोटल कितनी गाय खरीद कर ले गई? 18 गाय लिख गई। और जितना जितना दूध इन्होंने यहाँ बोला था उतना निकल रहा है उधर? बिल्कुल बिल्कुल निकला। और रेट कैसा लगता है इनका? रेट तो बढ़िया है भाई। कोई काम में कमी? कोई काम में कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मराठी में कुछ कहना चाहो? मराठी में कहना चाहूँगा ना, सभी महाराष्ट्र के लोग, सगळे महाराष्ट्र के लोग सांगने देईल का रफीक भाई आणि विक्की भाई यांच्याकडे यावात आणि चांगल्या गाई घेऊन जावा मा आपल्या महाराष्ट्रात। कोणती अडचण नाही, कोणता धोका नाही, कोणता एक रुपयाची गद्दारी होत नाही, इतकं गॅरंटीने सांगतो मी। और जे सर जो गाय आपने देखी जी हमारी महाराष्ट्र में जा रही है, और किसान लोग जो भी हमारे पास आना चाहता है सर देखो, ठीक है हमारे पास सारी सुविधाएं, गायें सस्ती मिल जाएगी, महंगी मिल जाएगी, ठीक है सर। और जो बात है ब्रीडिंग भी मिल जाएगी, अगर जिसको ब्रीडिंग की जरूरत है, जो ब्रीडिंग के काम करना चाहता है, और जो क्रॉस पे काम करना चाहता है वो क्रॉस का माल मिल जाएगा। और बाकी सर हमारी कम से कम जहाँ पे इनके पास 10 गाड़ी जा चुकी है इनके पास, और जो दूसरे आदमी आए उनकी पहली गाड़ी है, अभी पहला लॉट है, वो भी व्यापारी आदमी है, बिक्री के लिए लेके गए हैं। और सर हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप किसान भाइयों का।